नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज तो बहुत बारिश भी हो रही है और ठंड भी बहुत बढ़ गई है, तो चाय के साथ एक बढ़िया सा आलू का नाश्ता बनाया जाए। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने छोटे और चार छोटे और एक बड़ा आलू है जो मैंने उबाल कर छील कर ले लिए हैं। इसे आप मैश भी कर सकते हैं। तो आलू हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे, ये पोहा मैंने लिया है, धो के लिया है और ये देखो एकदम से ड्राई हो गया है। इसको हम आलू में मिक्स करेंगे। ये एक कटोरी पोहा है, मतलब जितना आलू है उतना ही पोहा। इसमें अब हम डालेंगे छोटे छोटे कटे हुए प्याज, एक प्याज लिया है मैंने। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा पोहा का मसाला है, एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, कुछ भी इसमें नहीं डालेंगे और इसका अच्छे से डो बना लेंगे। अब अच्छे से ये बंधने लगा है। ये हमने एक बड़ा चम्मच मैदा लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा चिल्ली फ्लेक्स, इसमें पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे, इसकी सैलरी बना लेंगे थोड़ा। अब परफेक्ट है। थोड़ा हम तेल डालेंगे शैलो फ्राई के लिए। अब इसमें डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए। एक चम्मच डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर से थोड़ा बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी। तो हमने ये मोल्ड लिए हैं सिलिकॉन के, इसमें हम लगाएंगे ऑयल और इसको अच्छे से दबा दबा के इसको भर देंगे। ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, हाफ ही रखेंगे। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए अब हम इसे उठाएंगे और सैलरी में डिप करेंगे। और इस तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। से हमने पलट लिया है और देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम कुरकुरा। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे हम सॉस से गार्निश करेंगे। तो नाश्ता हमारा रेडी है बच्चों के लिए। बाकी के मोल्ड में डाल के हम वैसे ही बनाएंगे सारे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।